स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग देखा जाए पुणी आउ गोटे नुआ वीडियो को लेकिन पड़ी आमर जो टू मार्क्स रहा आंसर्स पार्ट टू वन जाइला आज आंसर्स पार्ट टू करवा तो जो मैंने भी वीडियो को नुआ आने लाइक करनी सहित तुम सब्सक्राइब करने जमा भूल बुझेगा ना। तो देख आज आम आंसर पार्ट टू वीडियो को जाऊँ तो देख समस्ते जो मैंने भी नुआ वीडियो को तुम्हें सब्सक्राइब करनी चैनल सो दैट सब प्रकार इनफर्मेसन सहित तुम मिल जाए जिते सब जिनस रही है ना। तो क्वेश्चन पार्ट मुझ लिंक देदेवी क्वेश्चन भिड कौन रही क्वेश्चन भिड सहित तार आंसर भिड आंसर पार्ट वन ये रोज पार्ट टू भिड ठीक अच्छे। तो देख पढ़ा तुम ऑप्टिक्स को है ना ऑप्टिक्स तुम फास्ट अच्छी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तुम देख रिफ्रैक्शन आ तार ल कौन रोचे तो ल को देख फास्ट ल ऑफ रिफ्रैक्शन से कहे कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे आउ गोटे तुम रहा किए ना नॉर्मल आर द इंसिडेंट्स ऑल लाइज इन वन प्लेन ये रहा फास्ट ल। सेकेंड ल रोचे तुम स्नेल्स ल साइन आई बै साइन आर इक्वल टू म्यू है। तो देख ए तुम स्क्रीनशॉट नहीं पार देख फास्ट ल रे स्क्रीनशॉट नहीं जाओ सेकेंड ल ये रहा तुम नहीं जाओ स्क्रीनशॉट बुझेगा। तो फास्ट ल सेकेंड ल सरीगला नेक्स्ट जी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को नेक्स्ट देख टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो अमर इतने कौन हो जो डेंसर मीडियम रु तुम रारर मीडियम को मार्चंत लाइट से टाइम तुम कौन हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो तार तुम क्रिटिकल एंगल क्रिटिकल एंगल रू बेस मारे तुम हम क्रिटिकल एंगल डेफिनेशन स्क्रीनशॉट नहीं जाओ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तार स्क्रीनशॉट नहीं जाओ है। तापर रिलेशन बिटवीन सी एंड म्यू सी आउ म्यू भितर रिलेशन देख ये तुम सी आउ म्यू भितर रिलेशन नहीं जाओ गोटे स्क्रीनशॉट पुणी एति पर्यंत आसीगला आउ गोटे स्क्रीनशॉट है। तो ये रहा तुम म्यू इक्वल टू वन बाय साइन सी ये रहा तुम सेकेंड क्वेश्चन रो आंसर है। नेक्स्ट आसला पावर उपरे तुम माने प्रॉब्लम पावर उपरे प्रॉब्लम जदि आसो ताहले तुम केमती करियो देखो फर्स्ट जिनस होला पावर पावर रो फार्मूला है पी इक्वल टू वन बाय एफ ए फॉर्मूला को यूज कर पार पी इक्वल टू वन बाय एफ एफ दिह तुम पी बाहर करने बुझेगा ना। तो इथेरे तुमने पावर बाहर कर पार नेक्स्ट जदि आउ गोटे टाइप क्वेश्चन आसे जोटा कि तुम पी इक्वाल टू ये देख पार समस्ते पी इक्वाल टू म्यू माइनस वन होल इंटू वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू ये रहा लेंस मेकर्स फर्मूलार तुम रोच किए ना लेंस मेकर्स फर्मूलार ये रहा तुम जोटा कि पावर बाहर करते है लेंस मेकर्स फर्मूला रे पावर जो बाहर कर फर्मूला ए फर्मूला को भी नहीं कि आसी पारे। तो ये मेनली ध्यान रख आर वन आउ आर टूर भैल्यू पुट कला बेलू तुम कौन कर ना आर वन आर टू भैल्यू पुट कला बेलू तुम सैन देवाई जमा भूल है जदि राइट साइड नौ पॉजिटिव दब जदि लेफ्ट साइड नौ तेल नेगेटिव दब बुझेगा ये जिनसटा को जमा भूल। नेक्स्ट तापर देख देखा आमर पावर ऑफ लेंस गला व्हाट इज डिस्पर्सन व्हाइट लाइट एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट देख डिस्पर्सन कथा टी कह देख ये अच्छे तुम डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट व्हाइट लाइटा जो तुम रिज्यूम देकी जाए से सतटा कलर हो जाए यू आम कौन कौन ना डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बुझेगा ना। तो डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट रे तुम ये रोचे क्वेश्चन रोज व्हाट इज डिस्पर्सन व्हाइट लाइट मैक्सिमम मिनिमम फ्रिक्वेन्सी एक कथा टी जाद। तो डिस्पर्सन तो मुझे देखेदेवि तुमको डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या कहते ये है तार डेफिनेशन बुझेगा। तो मेनली जिनस ये कौन आसो देख भल के मन रख कि जो सतटा कलर रोचे ऊपर सब रहा रेड तले सब रहा वायोलेट है। तो वेवलेंथ आउ फ्रिक्वेन्सी कथा जाने टे ना वेवलेंथ जदि देखा तुम रेड वेवलेंथ है मैक्सिमम है आउ वायोलेट रो वेवलेंथ है मिनिमम है। से परिका जदि फ्रीक्वेंसी को देखा फ्रीक्वेंसी तार उल्टा हबो रेड रो फ्रीक्वेंसी हबो मिनिमम है आउ वायोलेट रो फ्रीक्वेंसी है मैक्सिमम है। तो मन रखते हुए कथा भल कि रेड रो वेवलेंथ है मैक्सिमम आउ फ्रीक्वेंसी है मिनिमम वायोलेट रो वेवलेंथ मिनिमम आउ फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है याकु टे भल कि नजर में रखि थ बुझेगा ना। नेक्स्ट तापर देख नेक्स्ट टू मार्क है एंगल ऑफ डिस्पर्सन बुझेगा ना।
तो जी तुम एंगल ऑफ डेविएशन डिफरेंस से एंगल ऑफ डिस्पर्शन जोटा कि लिखा है देख डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर यह एंगल ऑफ डिस्पर्शन बुझेगा ना। तो एंगल ऑफ सेपरेशन बिटवीन इधर लिखि दिखाई तापर एंगल ऑफ डिस्पर्शन तुम फॉर्मूला है डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू आर होल इनटू ए है एंगल ऑफ डिस्पर्शन। तो मन रखिथ एंगल ऑफ डिस्पर्शन डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ रिजिम एंगल ऑफ रिजिम ऊपर से डिपेंड करे। तापर देखिए जब डिस्पर्सिव पावर तो ये रहा डिस्पर्सिव पावर स्क्रीनशॉट नहीं जाऊला मुझे कहूनी डिस्पर्सिव पावर। तो डिस्पर्सिव पावर रो फॉर्मूला रे एंगल ए टा जोटा से ना मन रखिथ ये देख ये ए ना है जदि ए ना तो एंगल ऑफ प्रिज्म से डिपेंड करे ना बुझेगा। तो ये रहा डिस्पर्सिव पावर। तापर देख पड़े स्कैटरिंग ऑफ लाइट हाउ इट्स रिलेटेड टू वेवलेंथ है वेवलेंथ सहित जोटा कि रिलाइज स्कैटरिंग फॉर्मूला बोली कह जाए। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखी दिया तार डेफिनेशन लिखाई आई जो आई एस इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग आई एस जोटा लिखाई से इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग इंटेंसिटी लामडा सहित केमती प्रोपोर्शनल लामडा टू दि पावर फोर्थ है लामडा टू दि पावर फोर यही प्रकार से प्रोपोर्शनल यहाँ को मन रख इनवर्सली जार लामडा कम हम तार स्कैटरिंग अधिक हम है। नेक्स्ट नेक्स्ट देख स्पेरिकल एबरेसन और क्रोमाटिक एबरेसन। स्पेरिकल एबरेसन कौन ना टेलीस्कोप रे एते बड़ तुम जेहेतु ऑब्जेक्टिव रोचे तो तार फोकस पॉइंट गोटे वन पॉइंट आसनी एटा को आम कहते स्पेरिकल एबरेसन। क्रोमाटिक एबरेसन तार साइड गुड़ा जो गुड़ा रही कहार ना लेंस रहा कौन करती ना गोटे गोटे स्मॉल प्रिज्म परिका काम करती ये देख गोटे स्मॉल प्रिज्म आसीगला ये गोटे स्मॉल प्रिज्म आसीगला बुझेगा ना। स्मॉल प्रिज्म हेले से कौन करेंगे ना से गोटे व्हाइट लाइट को सातटा कलर बन दिखते तो आक्चुआल कलर जोटा आमको सेटा मिले नहीं क्रोमाटिक एबरेसन कहते देख स्पेरिकल एबरेसन ये तार पिक्चर रहा आउ तार कह जाए स्पेरिकल एबरेसन लिखि दिखाई देखि दि है मैं स्क्रीनशॉट नहीं जाओ तापर है क्रोमाटिक एबरेसन सेमती यार ये भी नहीं जाओ है ना। तो यापाई बाहर तुम किए ना टू टाइप्स रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो टू टाइप रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप गोटे है न्यूटनियन टेलीस्कोप देख फिगर सहित नहीं जाओ स्क्रीनशॉट तापर ये विषय किसी जिनस लिखि दिखाई बास या भी स्क्रीनशॉट नहीं जाओ है ना। नेक्स्ट तापर आउ गोटे रहा कैसेगरियन टेलीस्कोप तो या भी तुम स्क्रीनशॉट नहीं जाओ कैसेग्रेन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ये है गला तुम्हारा टू टाइप रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तापर जदि देखा यहाँ है तार वर्किंग आर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला दुटा जाक लिखाई देखी दि स्क्रीनशॉट नहीं जाओ है। नेक्स्ट तापर पड़े आस एडवांटेज कौन कौन एडवांटेज मिलला रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है कौन कौन एडवांटेज देखी दि तुम गोटे इजिली व्यू हो पारा हाई रिजल्विंग पावर हो पारा है क्रोमाटिक आउ स्पेरिकल एबरेसन रु फ्री हो पारा है। तो ये थिला टोटल उपरे हमरो रे ऑप्टिक्स। नेक्स्ट तापर जीवा वेव ऑप्टिक्स को देख ये रहा तुम वेव ऑप्टिक्स चैप्टर। वेव ऑप्टिक्स चैप्टर तुम टू मार्क्स क्वेश्चन कहले भेरी भेरी इंपोर्टेंट रहइबो हाइजेंस प्रिंसिपल है ना। तो हाइजेंस प्रिंसिपल कौन कहते कि लाइट केमती आगे बढ़ी जाऊर ताको से कही। तो हाइजेंस प्रिंसिपल फास्ट काम है देख तुम फिगर करमती फिगर करपर प्रिंसिपल कौन अच्छे लिख प्रिंसिपल दु तीन टा पॉइंट लिखते हैं ठीक। तो आट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम ऑल पॉइंट्स वेव फ्रंट आक्ट लाइक ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट समस्त तुम कौन करती गोटे सेकेंडरी सोर्स लाइट ये देखी दिखे से आगको आगे केमती बढ़ी जाऊँगी फ्रिक्वेन्सी सब जिन सामान थाए कमन टैंजेंट एनवलप से देव कौन सेकेंडरी वेव दब है। तो या को स्क्रीनशॉट नहीं जा हाइजेंस प्रिंसिपल वन या को प्रिंसिपल टू हाँ तो ये दुटा को नहीं जाओ स्क्रीनशॉट। तापर देख पड़े हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जदि देखा तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये रोज तुम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कौन हो गोटे लाइट्र जदि वाई वन डिस्प्लेसमेंट अच्छी आज जन वाई टू अच्छी तेल दुजन जाक को आम एका सांगे मारे वाई वन प्लस वाई टू होने। तो या को आम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लाइट्र बोली कह
याको ने जाओ स्क्रीनशॉट या पूर्व गोटे सुपर पोजिशन कही फोर्स जोटा चार्ज वन भितर था एटा लाइट वन भितर सुपर पोजिशन है ना बस हो गला सुपर पोजिशन प्रिंसिपल तापर जावा आमर व्हाई टू सोर्स नेवर बी कोहेरेंट केबे भी तुम दुटा सोर्स कोहेरेंट हो पारे ना कौन पाई हो पारे ये देख यहाँ है क्वेश्चन देखिए एक थे आंसर कर दिखाई है क्वेश्चन देर आंसर कराई तो व्हाई टू सोर्सेस नेवर बी करेंट देख लिखि दिखाई पूरा है तो या तुम स्क्रीनशॉट नहीं जाओ करेंट यहाँ पूरा क्वेश्चन देखिए आंसर लिखाई कि दुटार इलेक्ट्रॉन जंप के तुम सम्मान हो पार ना तो ये थिला तुमर व्हाई टू सोर्सेस नेवर बी करेंट तापर है कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी के मिनिमम इंटेंसिटी के चैप्टर को देखापी गले से जिनस को ही आम पढ़ी पढ़ी जाऊँ मैक्सिमम आ मिनिमम इंटेंसिटी है देख तुम बार कर मैक्सिमम और कंस्ट्रक्टिव सुपर पोजिशन तापर है डिस्ट्रक्टिव है तो या देखिदि लिखिदि यापाई भी पाथ डिफरेंस है एन लाम्डा ले जाओ स्क्रीनशॉट तापर देख कंडीशन फॉर मिनिमम इंटेंसिटी है ना तुमर ये रही ले जाओ एथर स्क्रीनशॉट है ना ये रहा डिस्ट्रक्टिव और मिनिमम इंटेंसिटी है ना ये जिनस ही आसो आशेष जिनस एमती आसवर ना तापर आम नेक्स्ट चैप्टर पलैसले डुआल नेचर है ना डुआल नेचर रे तुम देख फर्स्ट जिनस है वार्क फंक्शन भेरी इंपोर्टेंट वार्क फंक्शन डेफिनेशन डेफिनेशन देख कि वार्क डन मिनिमम वार्क डन टू एस्केप एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल है ना मेटल सरफेस रु गोटे इलेक्ट्रॉन बाहर करने मिनिमम जितकी एनर्जी दरकार सेटा है तुम वार्क फंक्शन बोली कह जाए वार्क फंक्शन फॉर्मूला जब लिख थाई नॉट इक्वल टू ईवी नॉट है ना और ईवी थाई नॉट इक्वल टू ईवी और डब्ल्यू इक्वल टू क्यू भी जान तो से फॉर्मूला डब्ल्यू नॉट इक्वल टू क्यू भी तो ये वार्क फंक्शन को थाई नॉट ना डब्ल्यू नॉट हिसाब से लिखा हुए जोटा लिखने भी ठीक है ना नेक्स्ट तापर देख तापर ए आसपार तुम क्वेश्चन है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस देखि दियो एच इक्वल टू पी इक्वल टू बाहरी थो एच बाय लैम्डा कॉन्सेप्ट ऑफ रन तापर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है ना तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस रे कोठु लिखिबो केमते लिखिबो मु कह दउछि एटा देख डी ब्रोगली हाइपोथेसिस अछि देख डी ब्रोगली हाइपोथेसिस रु लिख मैटर द थर्ड टाइप ऑफ आज मैटर और डी ब्रोगली यू लिख व्हेन एवर ए पार्टिकल मूव्स ए मूव्स द मैटर वेव एनवलप इट एंड कंट्रोल इट्स मोशन और वी कैन से दैट ए वेव एसोसिएटेड और यू लिखिपर यू लिखिद एत दूर लिखा दरकार नहीं यू लिखिद ए वेव एसोसिएटेड विथ ए मूविंग पार्टिकल एंड कंट्रोल इट्स मोशन मोशन इज कॉल्ड एज मैटर वेव है ना दिस वाज द गिवन बाय एटा कहा द्वारा दिखाई था ना यहाँ दिखाई था तुम एटा तुम दिखाई था तुम डी ब्रोगली दे थे है ना तो डी ब्रोगली अनुसार लैम्डा के लैम्डा इक्वल टू एच बाय पी फॉर्मूला है या लैम्डा इक्वल टू एच बाय पी और पी इक्वल टू एच बाय लैम्डा लैम्डा है तार वेवलेंथ केते हबो ना एच बाय पी पी है मोमेंटम है ना पी इक्वल टू एम भी पकई पार इतने आउ गोटे फर्मूला अच्छे टी मन रख लैम्डा इक्वल टू ये आसी जस्ट एटा टू एम ईवी है लैम्डा इक्वल टू के एच बाय टू एम ईवी ईटा है तुम्हारो जो रही काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ईवी हो गले लैम्डा इक्वल टू एच बाय टू एम ईवी केते वोल्टेज देते केते वेवलेंथ रही से भी बाहरी पार्टी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा नेक्स्ट चैप्टर आसगला तुम आटम्स तो आटम्स रु कौन क्वेश्चन आसपार देख फास्ट है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट कौन होता ताको आसपार ये फिगर को बनइब नहीं जाओ स्क्रीनशॉट है ना
फिगर बन सर ता विषय दि चार लाइन लिखिदेव बास ये रहा पॉइंट्स है तो ये गोटे क्वेश्चन हो पार। नेक्स्ट क्वेश्चन हो पार तुम कंक्लूजन कंक्लूजन चार्टा पॉइंट लिखते पड़ो वन टू थ्री है ने जाओ स्क्रीनशॉट तापर ये रहा फोर्थ नंबर पॉइंट है तो ये है तुम आटम्स रहा दुटा क्वेश्चन गला है ना। नेक्स्ट तापर आउ कौन क्वेश्चन हो पार देख तापर क्वेश्चन हो इंपैक्ट पैरामीटर जो रोचे सरी इंपैक्ट पैरामीटर को लेकिन आसबार नहीं पलैस आर नॉट आर नॉट रही जो दुटा ये लिखाई या कोई प्रॉब्लम आसो है नियरेस्ट अप्रोच आर नॉट है नियरेस्ट अप्रोच या कोई तुम प्रॉब्लम आसो। नेक्स्ट तापर देख तापर फेलुअर फेलुअर ऑफ रदरफोर्ड ये गोटे क्वेश्चन हो पार नहीं जाओ स्क्रीनशॉट दि मार्किया क्वेश्चन ये बहुत सारा क्वेश्चन मुझे देवी है टोटाल अठरटा क्वेश्चन देवी तो अठरटा क्वेश्चन को तुमको पूरा देखा पड़ो कहीं ये सब हाएस्ट टू मार्क्स क्वेश्चन आसो है ना। नेक्स्ट तापर देख ये है तुम तापर बोर्स मॉडल बोर्स मॉडल जो पोस्टुलेट्स रही युवा है गोटे गोटे पोस्टुलेट देख पांचटा पोस्टुलेट लिखाई पांचटा पोस्टुलेट भी तुम क्वेश्चन आसो जदि ये जिनस बुझीपार ताले वीडियो अपलोड अच्छी तुम देखिपर है ना। तो ये पांचटा पोस्टुलेट थर्ड फोर्थ फिफ्थ है ना पांचटा पोस्टुलेट को देखीदेव टे। नेक्स्ट तापर देख पढ़े आसले बोर को छाड़ दि है ना बोर्डा तो लंग क्वेश्चन देखी थी ना तो मुझे ये कली अमिट कर। नेक्स्ट तापर पलैस आमर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब पांचटा स्पेक्ट्रम विषय देखापे कहे सब थे दी दी लाइन लिखिदेव है लाइन सीरीज देख है ये तुम अल्ट्राभायोलेट रिजन जोटा लिखाई से मोस्ट इंपोर्टेंट तुम शॉर्ट क्वेश्चन रोक बल्मर सीरीज सेमती विजिबल रिजन लिखाई देख है स्क्रीनशॉट नहीं जाऊ मैं कास्कन सीरीज तुम इन्फ्रारेड रिजन है ना तापर ब्राकेट सीरीज भी सेमती इन्फ्रारेड रिजन पी फंड सीरीज तुम रहा फायर इन्फ्रारेड मैंने सी भी सही पाखापाखि नियरली इन्फ्रारेड ही जा ना। तापर एनर्जी लेवल डायग्राम एनर्जी लेवल डायग्राम टा देखी दियो तो एका थरे ए डायग्राम को मन रखिदेव कौ लेवल रेत एनर्जी ताको भी मन रखिदेव टे है ना बस या को स्क्रीनशॉट नहीं जाओ। तो ये थिला एटम्स चैप्टर है ना आई थी किसी आसवा नहीं तापर जो न्यूक्लियाई देख ये रहा तुम न्यूक्लियाई चैप्टर रहा तो न्यूक्लियाई चैप्टर जब देखा है ना तो तुम क्वेश्चन टू मार्क्स क्वेश्चन टू मार्क्स क्वेश्चन देखते गले तुम आसीज शुण ये देखीद टे तुम जो रोचे आइसोटोप आइसोबार आउ आइसोटोन बुझेगा ना तो आइसो आइसोटोप आइसोबार आइसोटोन यार एग्जांपल गुड़ा भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना एग्जांपल सब थी दी दीटा शिखी थोड़ा लिखाई नहीं दी दीटा ये हाइड्रोजन कार्बन दुटा लिखाई ये हीलियम लिखाई है ना आउ नहीं तुम पोटासीयम है पोटासीयम 1939 आउ कैल्शियम 2040 ये गोटे तुम एग्जांपल नहीं चुको है ना सॉरी सॉरी इधर भूल ही गला पोटासीयम हवा नहीं है ना का आर्गन हवा पोटासीयम न हो भूल ही गला आर्गन है ना आर्गन 1840 है ना आर्गन 1840 आउ कैल्शियम 2040 ये है तुम एग्जांपल है जो है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देख आइसोटोन्स आइसोटोन एग्जांपल से कैल्शियम 2040 आउ है पोटासीयम 1940 है ना ये गोटे एग्जांपल मन रख दी दुटा एग्जांपल खाली दुटा एग्जांपल को लिखते दी मार्क तुम पड़ो तापर तुम साइज ऑफ न्यूक्लियस को आसपार तुम टू मार्क्स क्वेश्चन तार फॉर्मूला है आर वन बाय आर टू इक्वल टू ए वन बाय ए टू होल टू दि पावर वन बाय थ्री है ना वन बाय थ्री तो या को नहीं कि तुम प्रॉब्लम आसपार। नेक्स्ट तापर देख डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस डेंसिटी बाहर करने टू मार्क्स आसपार मैं रख
किसी भी एलिमेंट जदि डेनसीटी बाहर करते दौले गोटे ही प्रोसेस कर नेचर ऑफ न्यूक्लियर फॉर मोस्ट इंपोर्टेंट टू मार्क क्वेश्चन है नहीं जाओ स्क्रीनशॉट तापरे तुमर पड़ेसिबो मास डिफेक्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट डेफिनेशन फॉर्मूला है ना स्क्रीनशॉट गला तापरे तुमर बाइंडिंग एनर्जी तुमर डेफिनेशन ऑफ फॉर्मूला फॉर्मूलाटा लिखाइनी लिखि दियो इथरे बी इक्वल टू डेल एम इनटू सी स्क्वायर बी इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी बी इक्वल टू डेल एम इनटू सी स्क्वायर हला तो ये हला तार फॉर्मूला बस बाइंडिंग एनर्जी एस हला नेक्स्ट तापरे आसला पी एन कर्व या भल्कि देखी है स्मूथली बनबार था ठीक अच्छे जहाँ भी होटा है 8.79 ए टॉपटा है 8.79 है ना आउ यहाँ है 7.5 मन रख ये 8.79 यहाँ है 7.5 है ना दुटा भूलू को लिख बस आईपरिका करदे चलो बी एन कर्व तापर है स्टेबिलिटी किए बेसी स्टेबल मन रखना जार बाइंडिंग एनर्जी अधिक सी बेसी स्टेबल नेक्स्ट तापर फिशन आउ फ्यूजन हाँ तो फिशन आउ फ्यूजन रे तुम या भितर तुम आसपर कौन ना डिफरेन्स भल्कि देखिपर है ना नेक्स्ट बाइंडिंग एनर्जी बाहर करने तुम आसपर बाइंडिंग एनर्जी बाहर करने तुम जो रोच वीडियो नहीं आसवि न्यूमेरिकल अलग वीडियो नेबी तार बाहर करते बाइंडिंग एनर्जी ताको आसपर रेडियो एक्टिविटी रे तुम भेरी इंपोर्टेंट रही है जो अल्फा पार्टिकल गोटे अल्फा पार्टिकल बाहर ए रु के कमे जेड रु के कमे मन रख बोलिक है ये रहा बीटा पार्टिकल हेल्ले तुम ए रु के कमे ना ये किसी चेंज हुए आउ जेड रे कौन हुए प्लस वन हुए मन रख बढ़िया गामा रे रे किसी चेंज हुए ना सेम ही रहा नेक्स्ट तापरे अल्फा बीटा गामा पार्टिकल प्रॉपर्टी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आउ सब जाक पॉइंट टी मन रख कहीं वन मार्क ताकि आसपर तो अल्फा पार्टिकल नहीं जाओ स्क्रीनशॉट ये रहा बीटा पार्टिकल नहीं जाओ स्क्रीनशॉट है ना गामा रे नहीं जाओ स्क्रीनशॉट अल्फा बीटा गामा हो गला रेडियो एक्टिव डीके लॉ तुम मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन बाहर करवा रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट तो रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट है लैम्डा इक्वल टू रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट तो जितेबाला एन टा एन जीरो बाई ई होते जी टाइम लगे से कह रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट बोली है ना ये लिखि दिखाई एंड द सैंपल रिड्यूसेस टू एन जीरो बाई ई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हाफ लाइफ रो डेरिवेशन है ना तो ये आसीगला हाफ लाइफ रो डेरिवेशन देखि दियो टी इक्वल टू 0.693 बस ये जिनस सहित आ गोटे जिनस देखि ये फर्मुलाटा है एन बै एन जीरो इक्वाल टू हाफ टू दि पावर स्मॉल टी बाय कैपिटल टी है तो यह नहीं तुम प्रॉब्लम टू मार्क्स आसपर प्रॉब्लम अलग वीडियो कल नहीं आसीज गोटे गोटे चैप्टर ठीक अच्छे तो नेक्स्ट चैप्टर आम नहीं पड़े सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स है तो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स रे फास्ट तुम वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन इंट्रिंसिक आउ एक्सट्रिंसिक भितर तुम कौन ना एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भितर डिफरेंस बाहर कर नेक्स्ट तापर देख आउ तुम क्वेश्चन देखापी गले कि एनर्जी गैप को लेकिन तुम जो रोच इन्सुलेटर क्या कहुए ये तुम सीटा क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गैप ऑफ द एलिमेंट्स छाड़ दे पाटी है ना तो इन्सुलेटर देख स्क्रीनशॉट नहीं जाओ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रु अधिक ये दि लाइन रहा सेमीकंडक्टर तापर सेमीकंडक्टर लेस दैन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हला नहीं जाओ स्क्रीनशॉट तापर आसला कंडक्टर कंडक्टर पर तुम ओवरलैपिंग हला ये नहीं जाओ स्क्रीनशॉट है तो ये रही तुम
क्लासिफिकेशन तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा आम नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर केमती तुम स्विच हिसाब से यूज हुए यू देख दि ये रहा तुम ट्रांजिस्टर एज ए स्विच है ना स्क्रीनशॉट नहीं जाओ तापर देख यहाँ भितर रिलेशन जोटा रोचे ट्रांजिस्टर कॉन्स्टेंट भितर अल्फा बीटा आउ है गामा है ना तो ये रहा अल्फा बीटा गामा टू मार्क्स सब गुड़ा बीटा और अल्फा बीटा को अल्फा टर्म लिखुंत है ना नहीं जाऊ स्क्रीनशॉट है ना नेक्स्ट तापर ये रहा तापर तुम आसो बीटा इक्वल टू अल्फा बाय वन प्लस अल्फा नेक्स्ट तापर अल्फा इन टर्म्स ऑफ बीटा अल्फा को बीटा टर्म लिखा है ना ये रहीगला तुम क्वेश्चन द आंसर है तापर आ गोटे लॉजिक गेट कथा तो समस्त को जाना थी है ना तो लॉजिक गेट रु तुम टू मार्क्स क्वेश्चन आसवाटा बहुत बहुत इंपोर्टेंट है आसपार तो देखी थो नॉट गेट और गेट तापर है नॉर गेट है ना आप रहा नॉट नॉर और तापर है एंड तापर है नैंड है गेट रो इनपुट आउ थ्री आउटपुट देखी थो है नेक्स्ट तापर लास्ट चैप्टर आम देखीद आपको फिनिश करवा यस ना तुम कम्युनिकेशन सिस्टम तो कम्युनिकेशन सिस्टम रो किसी जिनस तो कटि जाइए कम्युनिकेशन सिस्टम रो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन ये रहा तुम गोटे क्वेश्चन है ग्राउंड वेव प्रोपगेशन बस नहीं जाओ स्क्रीनशॉट बस नहीं जाओ स्क्रीनशॉट है स्काई वेव प्रोपगेशन स्काई वेव प्रोपगेशन फिगर सहित या को नहीं जाओ स्क्रीनशॉट तापर ये रहा स्क्रीनशॉट है तो स्काई वेव प्रोपगेशन होगापर पड़ेगा आम सैटेलाइट कम्युनिकेशन ये टी लिमिटेसन टाइम नहीं था है ना बाय चांस पकई पारे नेक्स्ट तापर तुम सैटेलाइट कम्युनिकेशन ये जो रहा जिनस एति जिनस देखु या को लेकिन प्रोब्लेम आसपार है ना ये जो फॉर्मूला को नहीं जाऊ स्क्रीनशॉट है ना तापर आसला सैटेलाइट जो मैंने जब किसी प्रॉब्लम हो चैप्टर में तेल चैप्टर पूरा अपलोड अच्छी देखीदेव प्लेलिस्ट को जाना तापर ये रहा सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट ट्रांसमिशन या को लेकिन तुम टू मार्क्स आसपार यटा भी गोटे तो या को नहीं जाओ स्क्रीनशॉट ये भी नहीं जाओ बस होगा तो तापर ग्लोबल ट्रांसमिशन ये भी आसपा टू मार्क या भी टे नहीं जापर नेक्स्ट पड़े आस ग्राफ पाखु है ना ग्राफ ग्राफ जो रही सिग्नल या को बुक रु टे कर दिखाई भूल कि है ना तो ये कौन पढ़ी पार ना एम्पलीट्यूड मॉड्युलेशन फ्रीक्वेंसी मॉड्युलेशन आ गए फेज मॉड्युलेशन बुझेगा ना तो एम्पलीट्यूड मॉड्युलेशन बेलू कौन कर फास्ट दुटा ग्राफ ता सहित ये थर्ड नंबर ग्राफ एक दुई तीन ये तीन टा कर जदि फ्रिक्वेन्सी कही वन टू ता सहित ये तीन टाइम करा फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन तापर जब फेज कही थो दुटाटा कमन रे सहित यहाँ है ना मन रहा तो से अनुसार तुम करदेव ग्राफ करदेव बुझेगा बस ये रही तुम ग्राफ है ना नेक्स्ट तापर एक्सप्रेशन फॉर बैंडविड्थ एम्पलीट्यूड मॉड्युलेशन एम्पलीट्यूड मॉड्युलेटेड वेव रुम रही बैंडविड्थ बार कर कैलकुलेशन एम्पलीट्यूड मॉड्युलेशन तार डेफिनेशन लिखाला डेफिनेशन सहित मेसेज सिग्नल कैरियर वेव लिखाई कि कौन कराला ना तुम जॉइंट कराई तो ऐड कराई है ना एडिशन होला एम्पलीट्यूड रे तापर ये रहा तुम फ्रिक्वेन्सी टू इंटू फ्रिक्वेन्सी बैंडविड्थ बैंडविड्थ रहा टू इंटू ओमेगा एम है ना लिखाई लिखिदेव टे रहा टू इंटू ओमेगा एम टू ओमेगा एम है ना मेसेज सिग्नल डबल है तार बैंडविड्थ तापर रहा एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन तो मन रख फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन तुम कौन हुए ना तुम सिग्नल सॉरी नॉइज़ ताको डिस्टर्ब कर पारे नहीं है जिनस गुटे मन रखे बस ये जिनस ये तुम टोटाल टू मार्क्स सिलेक्शन भिडियो जदि भल लगे लाइक कर कमेंट कर सब्सक्राइब करने जमा भूल ओके थैंक यू।